नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका YouTube सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टेस्ट, जैसे ही पीरियड की डेट मिस होती है मन में कौतूहल मचता है कि टेस्ट करना चाहिए, लेकिन कब टेस्ट करें। और ये सवाल बहुत ही जेन्युइन है, बहुत सही सवाल है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। जितनी महिलाएं हैं सबके शरीर अलग है, सबके पीरियड की कंडीशंस अलग होती है, सबकी साइकिल लेंथ डिफरेंट होती है, इसीलिए आज के वीडियो में चार कैटेगरी में मैं आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए ये समझाऊंगी। साथ ही इसके पीछे का साइंस क्या है, प्रेगनेंसी टेस्ट में हम क्या टेस्ट करते हैं, हम हार्मोन को टेस्ट करते हैं, तो उस हार्मोन का क्या मैकेनिज्म होता है बनने का, बढ़ने का, गर्भ ठहरते ही कितने दिन में बनता है, कैसे बढ़ता है, तो उसको आप कैसे समझेंगे। और जब आप ये बात समझ जाएंगे कि वो हार्मोन कैसे बढ़ता है, तो आप अपनी साइकिल को समझते हुए सही समय पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। साथ ही प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर के रिलेटेड जानकारी चाहिए तो यूट्यूब मॉम पे भी मुझे आप फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि वहां पे भी आपको बहुत अच्छी जानकारियां मैं शेयर करती रहती हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों किया जाता है? सबसे पहली चीज यही है, जैसे ही गर्भ ठहरता है यानी कि इम्प्लांटेशन होता है, यह है यूट्रस की दीवार और फर्टिलाइज्ड एग जायगोट यहाँ के चिपकता है। उसके बाद प्लेसेंटा का डेवलपमेंट चालू हो जाता है और जैसे ही प्लेसेंटा बनने लगती है HCG हार्मोन रिलीज होता है और यही हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट में, जो घर पे हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं किट से स्ट्रिप से, उसमें डिटेक्ट होता है। तो HCG हार्मोन इम्प्लांटेशन के 8 से 10 दिन के बीच रिलीज होने लगता है, लेकिन एक लेवल तक जब इसकी मात्रा डिटेक्टेबल नहीं होती किट में, और अगर उस समय में आपने टेस्ट किया है तो आपको नेगेटिव टेस्ट होगा अगर प्रेगनेंसी है तो भी। नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में HCG का लेवल 10 से कम माना जाता है। मैं एक ब्रॉड स्केल में आपको चीजें बता रही हूँ, और प्रेग्नेंट महिलाओं में इसका लेवल HCG का लेवल 25, जो कि एक इंटरनेशनल यूनिट है, 25 होता है तब से डिटेक्टेबल हो जाता है किट में। हल्का गुलाबी लाइन आना, दो लाइनें गुलाबी आना, इस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चार कैटेगरी को समझेंगे कि कैसे हम अपनी कैटेगरी में कितने दिन पे प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो चार कैटेगरी क्या है, सबसे पहली चीज है रेगुलर पीरियड की कैटेगरी, ओके। दूसरी कैटेगरी इरेगुलर पीरियड की कैटेगरी, क्योंकि इतने सारे आपके कमेंट्स आते हैं टेस्ट से रिलेटेड कि हमारी पीरियड साइकिल ऐसी है तो मुझे टेस्ट कैसे करना चाहिए, तो उन सारे आपके सवालों को मैंने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है ताकि आप सभी सहेलियों के सवालों का इंक्लूसिव आंसर नेक्स्ट वीडियो के थ्रू दे सकूं। तो सेकेंड कैटेगरी इरेगुलर पीरियड्स की, फर्स्ट कैटेगरी है लॉन्ग साइकिल की जिनकी साइकिल बहुत लॉन्ग है और रेगुलर है, और दूसरी कैटेगरी शॉर्ट साइकिल की जिनको 25 से 28 दिन 30 दिन के अंदर ही पीरियड आ जाते हैं। तो इस तरह से चार कैटेगरी हुई, चारों कैटेगरी को आपको समझना है और अपनी कैटेगरी में कितने दिन पर टेस्ट करना है उसको आप याद रखेंगे। जिन महिलाओं का पीरियड रेगुलर होता है, साइकिल लेंथ कुछ भी हो लेकिन अगर पीरियड नियमित है, तो उन महिलाओं को पीरियड डेट मिस होने के 4 दिन बाद टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपने टेस्ट किया और आपको बहुत हल्की गुलाबी लाइन आती है तो इसका मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आपको अगले 4 या 5 दिन रुक के वापस से UPT करना है और उस टेस्ट को समझना है कि लाइन गहरी हुई या नहीं, अदरवाइज आपको गायनेक को दिखाना है। दूसरी कैटेगरी इरेगुलर पीरियड्स की है। इरेगुलर पीरियड्स में पता नहीं होता कि हम कब टेस्ट करें, पिछला पीरियड आया था अब अगला कब आएगा हमको नहीं पता है, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर ट्राई कर रहे हैं, आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन अगर नहीं पता है तो ओव्यूलेशन रिलेटेड मेरे वीडियोस देखिए, हर एस्पेक्ट को समझाया है, और सारे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने ओव्यूलेशन को समझ पाएंगे बिना किसी चीज को यूज किए अपने शरीर को समझ के। तो फ्रेंड्स, इरेगुलर पीरियड है, तो जो पहला आपका पीरियड डेट था, सपोज आपको 2 तारीख को पीरियड आया था और इस महीने 5 तारीख हो चुकी है, आपको पीरियड नहीं आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिछला पीरियड डेट अगर 2 तारीख था तो 2 तारीख से 40 दिन बाद 40 डेज पे आपको टेस्ट करना है। मतलब आपको इरेगुलर पीरियड है, साइकिल बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो 40 डेज पे आपको टेस्ट करना है। तीसरी कंडीशन है शॉर्ट साइकिल। जिन महिलाओं की साइकिल शॉर्ट होती है उनको अक्सर कई केसेस में ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है, पीरियड के जस्ट बाद में 2-3 दिन बाद में ओव्यूलेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपकी डेट मिस हो जाती है तो डेट मिस होने के 5 दिन बाद में आप टेस्ट कर सकती हैं, आपको सही रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं। चौथी कंडीशन कि अगर आपकी साइकिल लंबी है, 30, 32 दिन, 35 दिन की साइकिल है, नियमित आप
आता है पर लंबी साइकिल में आता है पीरियड, तब ऐसी कंडीशन में डेट मिस होने के 10 डेज बाद 10 दिन बाद में आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है सही रिजल्ट्स के लिए। सही रिजल्ट का मतलब जो आपकी बॉडी में हार्मोन का स्टेटस है उसको समझने के लिए 10 डेज बाद आपको टेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों, इतना वेरिएशन क्यों? इतना वेरिएशन इसलिए कि इन चारों कंडीशंस में ओव्यूलेशन वेरी करता है, ओव्यूलेशन का टाइमिंग जो है वेरी करता है, वो आगे पीछे होता है, और ओव्यूलेशन के आधार पे ही हम इम्प्लांटेशन, मिस्ड पीरियड और टेस्ट के डेज को कंसीडर करते हैं कि 8 से 10 दिन 15 दिन का गैप हो जाए ताकि हार्मोन की सही मात्रा बन चुकी हो और हार्मोन टेस्ट में रिफ्लेक्ट करे, दिखाई पड़े, टेस्ट में हार्मोन का आउटकम हमको मालूम पड़े। HCG हार्मोन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हर 48 से 72 घंटे में डबल होता जाता है, इसीलिए जब भी आपको टेस्ट रिपीट करना हो तो 3 दिन का गैप ज़रूर आपको रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि टेस्ट करने से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है कि हमारी पीरियड साइकिल इतनी है तो हमें टेस्ट कब करना है वो आप समझ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।